मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख के नजदीक आते ही प्रत्याशियों के समर्थन में स्टार प्रचारकों का जनसंपर्क लगातार जारी हो गया है। इसी कड़ी में आज शिवपुरी जिले के सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली पिछोर विधानसभा से सपा प्रत्याशी राजीव यादव के समर्थन में मध्य प्रदेश की मैनपुरी से सपा सांसद डिम्पल यादव ने पिछोर के यादव वोटरों को लुभाने खनियाधाना के सभागार मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। सांसद डिम्पल यादव ने पिछोर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव यादव के लिए वोट मांगे और मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों का शोषण हो रहा है। 75 सालों में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कोई विकास नहीं हुआ है और न ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई बड़े कड़े कानून बने हैं। लगातार मध्य प्रदेश में महिलाओं के बलात्कार और अपहरण जैसी घटनाएं हो रही हैं। राजीव यादव को भारी मतों से जिताएंगे, जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? ये युवा है, ये आपके बीच में काम करेंगे, समर्पित भाव से काम करेंगे, आपकी कठिनाइयों में आपके साथ रहेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इन्हें भारी मतों से जिताएंगे। जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? साइकिल का बटन दबाएंगे, अखिलेश भैया और नेताजी की साइकिल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? आय दुगनी हुई क्या? उन्हें खाद्य में कोई सस्ती मिली खाद? क्या बिजली में कटौती हुई कि नहीं हुई बिजली दरों में? और यह सरकार खाली 5 किलो राशन देके आपका वोट खरीदना चाहती है। ये सरकार अभी जब आएंगे चुनाव तो वो भी आपको मिलना शुरू होगा, लेकिन यह सरकार आपको 5 किलो राशन तक सीमित रखना चाहती है और इसी के साथ वो आपके बच्चों के भविष्य को खा रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो समाजवादी पार्टी को भारी से भारी मतों से जिताएंगे और